आदाब नमस्कार, परभणी महानगर न्यूज नेटवर्क में आपके साथ शेख इफ्तिखार। जिले में तारीख 9 जून से लेकर 13 जून तक जोरदार बारिश की संभावना, सावधानी का प्रशासन की ओर से इशारा। छिंदवाड़े के कुछ जिलों में तारीख 9 जून से लेकर 13 जून के दरमियान बिजलियों के कड़कने के साथ जोरदार बारिश होने का इशारा भारतीय मौसम विभाग की ओर से दिया गया है। जिला प्रशासन ने इसी इशारे को लेकर तारीख 9 जून के शाम प्रेस नोट द्वारा जिलावासियों को सुरक्षितता का उपाय करते हुए सावधानी बरतने का इशारा दिया है। निवासी उप जिलाधिकारी महेश वाडकर, इन्होंने प्रेस नोट द्वारा नागरिकों से कहा है कि बिजलियां कड़कते हुए बारिश की जानकारी होने पर बाहर जाना रोके, बिजलियां चमकते समय घर में या फिर सुरक्षित बिल्डिंग का सहारा ले, घर के बालकनी, छत या घर के बाहर चबूतरे पर ना रुके, घर में हो तो घर के बिजली से चालू रहने वाले वस्तुएं बंद करे, तारों से, बिजली खंभों के, अन्य लोहे की चीजों से दूर रहे, पानी में खड़े हो तो पानी से बाहर निकल जाए। उसी के साथ नागरिकों ने अपने खेती के सामान सुरक्षित जगह पर रखे, सभी तहसील नियंत्रण कक्ष चालू रखें, ऊंचे झाड़ के सहारा ना ले, आप अगर घर में हैं तो खुले दरवाजे से या फिर खिड़की से बिजली गिरते हुए ना देखें, आसमान में बिजली चमकते समय लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल ना करें, इस बात की सुरक्षा ले, ऐसी जानकारी प्रेस नोट द्वारा कही गई है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। ग्राम अस्पताल की ओर से और पाथरी के सभी कारोबारियों की कोरोना को लेकर आरटीपीसीआर टेस्ट और एंटीजन टेस्ट तारीख 7 जून 2021 के रोज की गई। इस समय ग्राम अस्पताल के और पाथरी नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी, इन्होंने ये टेस्ट की। इस समय ग्राम अस्पताल के फार्मेसी ऑफिसर शेख सलीम गुट्टे, श्रीमती कालजाते, श्रीमती नायकवाड़े, कल्पना डुकरे, विशाखा कदम मैडम, आसिफ सिद्दीकी, श्रीमती नायकवाड़े, वसीम बेग, कलीम अंसारी, शेख अकरम आदि मौजूद थे। अरली से अंबाजोगी रास्ते पर कनेरवाड़ी इस जगह का पुल टूट जाने से यातायात में बाधाएं निर्माण हो चुकी है। जोरदार बारिश के कारण ये पुल टूट चुका है। परली से अंबाजोगी रास्ते की सभी यातायात बंद हो गई है। यह पुल किस तरह टूटा है और इसकी कितनी तूफान बारिश यहाँ से बह रही है, ये देखने का नज़ारा आप देखने के बाद समझ में आएगा कि यह बारिश कितनी ज़ोरदार मराठवाड़े में हुई है, जिसके कारण परली से अंबाजोगी की बना हुआ है पुल पूरी तरह से बहकर जा चुका है, जिसके कारण यातायात में अब बाधाएँ निर्माण हो चुकी है। अब इसके लिए यहाँ से जो फोर व्हीलर और टू व्हीलर गाड़ियाँ जा रहे हैं, उनसे हमारी ये अनुरोध है, उनसे हमारी विनती है कि वो हर रास्ते का जायज़ा ले, मालूमात ले, ताकि आप सफ़र कर रहे हैं सफ़र में कहीं ऐसा ना हो कि कोई घटना आपके साथ हो जाए। इसलिए मौसम विभाग ने पहले से ही अवगत करा दिया है कि 9 जून से लेकर 13 जून तक मराठवाड़े में कुछ जिलों में भारी वर्षा होगी, भारी बारिश होगी। इसलिए निकलने से पहले सभी सावधानी बरते। दिल्ली से अंबाजोगी रास्ते पर कनेरवाड़ी इस जगह का जो पुल टूटा है, उससे ये जो खतरनाक मंजर आया है, ये मंजर देखने के बाद हर एक का दिल दहल जाएगा कि रास्ते टूट जाने से, पानी का बहाव से रास्ते किस तरह टूट रहे हैं और पुल किस तरह टूट जा रहे हैं। कोरोना महामारी के दौर में जिलाधिकारी इनके आदेश पर कोविड सेंटरों पर मरीजों को उत्साह का माहौल और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए समूचे जिले के कोविड सेंटरों पर नृत्य कलाकार मधुकर कामले इनके साथ कोविड सेंटरों पर जाकर समाज प्रबोधन कर न्यूज को प्रकाशित करने वाले, जिसमें मधुकर कामले नृत्य कलाकार, दिलीप बनकर, न्यूज परभणी महानगर के राहुल धाबाले, नजीब सिद्दीकी, यशवंत मकरन, रविशंकर कामले, इनका जिलाधिकारी द्वारा शासन का सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। परभणी शहर स्थित दरगाह रोड इलाके के दौड़गांव गेट के करीब सूबेदार इनकी खेती है। महानगर पालिका के सर्वे नंबर 553 उसे बताया गया है, उस खेती को प्लाटिंग का रूप लाया गया है। दरमियान यह सर्वे नंबर 553 से जायकवाड़ी कैनाल D69G चाली गई हुई है। जायकवाड़ी कैनाल D69G चाली यह 1990 से बंद की गई है, जिसकी वजह से यहाँ सिंचाई नहीं होती है, इसलिए ये बंद की गई है, ऐसा कहना है। लेकिन ये महानगर पालिका के सर्वे नंबर 563, 564, 565, 562, 553 और 530 में से जाती है। आज तारीख 9 जून
2021 बुधवार के रोज सुबह यहां पर एक मामला नगरमा गई दिया। इसकी वजह यह है कि गट नंबर 553 को खेती के बजाय प्लॉटिंग का रूप लाया गया। प्लॉटिंग बनाने के कारण जायकवाड़ी केनाल D69G40 जो जा रही है उसके आसपास जो झाड़े लगे हुए बबूल की जंगली झाड़े हैं उन्हें हटाने की कोई काम किया गया। जीसीबी द्वारा ये झाड़े हटाई गई, लेकिन इस बात को लेकर शहर में हवा की तरह बात फैली और कुछ लोगों ने आकर इस केनाल के चारी पर सीधा बल्लियों से और टीनों से अतिक्रमण घेर लिया। अतिबन धारकों के बीच और प्लॉटिंग के सूबेदार और उनके सहयोगी इब्राहिम और हाजी शेरू साहब, इनके बीच एक वाद निर्माण शुरू हुआ और उन्होंने इस बात को ये कहा कि अतिक्रमण धारकों को कि हम जो हमारी जमीन है वो हमारी जमीन उतनी छोड़ दी जाए और बाकी की चीजों पर आप अपना क्या नियोजन करेंगे और वो आपके साथ प्रशासन क्या करेगा वो आप जाने, लेकिन अतिक्रमण धारक अपने जिद पर अड़े रहे। इसके कारण जायकवाड़ी विभाग के और जल संपदा विभाग के इन दोनों अधिकारियों को यहाँ बुलाया गया, जिसमें शाखा अभियंता गजानन वैरागढ़, अशोक शेषराव सवड़कर, अशोक मानिकराव सुदेवाड़, गणपत रंगनाथ कराड़, इन सभी का पदक MH-23B-764 इस जीप में बैठकर आया, जिसके ड्राइवर ढेंगरे SSA थे। शाखा अभियंता गजानन वैरागढ़ इन्होंने क्या कहा और यहाँ पे जो अतिक्रमण किया उनसे क्या अपील की, आइए हम आपको सुनाते हैं। जमीन के मालिक सूबेदार इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। आज यहाँ पर एक नया उबाल मचा है, यहाँ सूबेदार जिनकी खेती थी उनके बाजू से जारी छुटी हुई है, उस चारी पर अतिक्रमण करना जारी हो गया है, जिसके कारण यहाँ कोई घटना हो सकती है ऐसा यहाँ का कहना है। यहाँ हम आए मिले हुए जो खेती और जो प्लाटिंग वाले हैं इनसे यहाँ पर हम मुलाकात की और यहाँ क्या जायजा है और उनकी ज़मीन क्या थी और क्या मामला हुआ, आइए उनसे जानते हैं। सर्वे नंबर 553 हे माझ्या मालकीचे, मी ॲडव्होकेट सुभेदार आहे, हे आमच्या सुभेदार परिवाराची जमीन आहे, आमच्या जमिनीतून जायकवाडी कॅनॉल गेलेला आहे, त्याच्याकरता जायकवाडीनं जमीन संपादित केलेली आहे आणि आज इथं या जमिनीत जायकवाडी कॅनॉलच्या सरकारी जमिनीवर काही लोक संगनमतानं अतिक्रमण करत आहेत आणि तिथलं अतिक्रमण केल्यानंतर माझ्याही जमिनीत अतिक्रमण करण्याचा त्यांचा विचार दिसतो आहे, त्याच्याकरता सरकारी यंत्रणेनं वेळीच्या दखल घेऊन पोलिसच्या मार्फत हे अतिक्रमण काढण्यात यावे, जेणेकरून शासनाच्या जमिनीवरचं अतिक्रमणसुद्धा हटलं पाहिजे, नाही तर अशानं शासनाची भीती राहणार नाही आणि लोकांना वाटेल आम्ही शासनाच्या विरुद्धसुद्धा काही करतो, ह्या गोष्टीला वेळीच प्रावधान घातल्याशिवाय शासनाची भीती निर्माण होणार नाही आणि बेकायदेशीर कृत्य थांबणार नाही, त्याकरता योग्य ती कारवाई त्वरित करण्यात यावी। जायकवाडीच्या डिपार्टमेंटनंसुद्धा या बाबतीत सतर्क होऊन त्यांच्या ज्या जमिनी आहेत कॅनॉलच्या त्याबाबत सर्व्हे करून कलेक्टरकडे आणि SPकडे कंप्लेंट द्यायला पाहिजे आणि त्यांच्या जमिनीवर होणारे अतिक्रमण आणि जे झालेले आहेत ते सुद्धा त्यांनी त्वरित काढून घेण्याची कारवाई सुरू करायला पाहिजे। या ठिकाणी कोळगाव फाटकनजीक जायकवाडीचा कालवा गेलेला आहे, या ठिकाणी स्थानिक लोकांकडून आम्हाला तक्रार मिळाली होती की या ठिकाणी अतिक्रमण होत आहे, त्या अनुषंगाने आम्ही पाहणी करायसाठी आलो तर या ठिकाणी टीन शेड वगैरे लावून बऱ्या प्रमाणात अतिक्रमण करण्यात येत आहे। तर या सर्व अतिक्रमण धारकांना जलसंपदा विभागाकडून मी आवाहन करतो की अशा प्रकारचं कुठलेही इलिगल ॲक्टिव्हिटीज तुम्ही करू नका, कारण ह्या शासनाच्या जमिनी ज्या आहेत ह्या कोणालाही विना परवानगी वापरता येणार नाहीत, त्यावर कारवाई होईल आणि तुम्ही ज्या प्रमाणात या ठिकाणी अतिक्रमण करून घर वगैरे आपला पैसा गुंतवसाल तो हे सर्व काही आम्ही मोडून काढू, तर त्यामुळे तुम्ही वेळीच जागी व्हा आणि अतिक्रमण कुठल्याही प्रकारचं करू नका। सदर जायकवाडी कालवा जो की परभणी महानगरपालिकेच्या गट सर्वे नंबर 563, 564, 565, 562, 553, 530 यामधून जे जो काही कालवा गेलेला आहे आज रोजी हा कालवा विनावापर आहे, ज्यातून सिंचन होत नाही, परंतु सरकारची जमिनी आहेत आणि ह्या जमिनी सरकारच्या नावावरच असणार आहेत, सातबारावर लागणार आहेत, त्यामुळं कुठल्याही प्रकारचे खरेदी विक्रीचे व्यवहार कुणीही करू नये, या प्रकारचं आव्हान जलसंपदा विभागामार्फत करण्यात येत आहे। सर्व जनतेनं याकडे गांभीर्याने बघितलं पाहिजेत आणि कुणीही अतिक्रमण करू नये आणि खरेदी विक्रीचे व्यवहार करू नये। शहर के साथ जिले में शाम 6 बजे के दरमियान तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश। परभणी शहर के अलावा जिले में शाम 6 बजे से लेकर तकरीबन आधे से पौन घंटे तक बिजलियों के चमकने से जोरदार बारिश हुई, जिसमें शहर के हर गली नुकड़ पर नालियों का बाहर गंदा पानी निकलता रास्तों पर दिखाई दिया, हर जगह पानी ही पानी रास्तों पर दिखाई दिया। परभणी शहर के जिंतूर रास्ते पर तेज हवाओं से झाड़ गिर जाने से यातायात में बाधाएं निर्माण हुई। तो साकला फ्लैट, वांगी रोड, हड़को, खंडोबा बाजार, रामेश्वर प्लॉट, अशोक नगर, पारदेश्वर मंदिर, गांधी पार्क, जूना पेड़गांव रोड, शनि मंदिर, पुलिस पेट्रोल पंप के रास्ते के करीब, इसी तरह इन जगहों पर
पानी भर जाने से नदियों की तरह शहर का रास्ता दिखाई दिए। इस दरमियान बिजली चले जाने से यहां पर ई सेवाओं को बाधाएं निर्माण हुई, यह देखने को मिला। इसी के साथ साथ परभणी जिले के गंगाखेड़, पालम, मानवत, पाथरी, सेलू, जिंतूर, पूर्णा इन तहसीलों में भी अच्छे पैमाने पर बारिश हुई। नागरिकों के घरों में पानी घुसने से सामान्य नागरिक का बड़ा नुकसान हुआ है। इन नुकसानग्रस्तों का पंचनामा कर प्रशासन मदद करे ऐसी मांग की जा रही है। परभणी शहर के अजंता नगर वांगी रोड इस इलाके में आज तारीख 8 जून 2021 मंगलवार के रोज शिव भोजन थाली केंद्र का उद्घाटन जिला आपूर्ति निरीक्षण अधिकारी दड़वे इनके हाथों किया गया। परभणी शहर के जरूरतमंद गरीब नागरिकों को खाने की सुविधा हो इस उद्देश्य से शासन ने शिव भोजन थाली केंद्र शुरू किया है। फिलहाल शहर के बस स्टेशन एरिया में नवा मुंडा इलाके में जिला अस्पताल सरकारी अस्पताल में यहाँ पर शिव भोजन थाली केंद्र है। आज श्री सिद्धि विधायक महिला सेवा भावी संस्था संचालित यह केंद्र चलाया जा रहा है। इस समय नायब तहसीलदार वाघमारे अविनाश चौहान, राष्ट्रवादी महिला जिला अध्यक्षा भावनाताई नखाते, कालिंदा घगरमाले, सुनीता पंडोले, सुमित्राबाई लजड़े, धनश्री नखाते, मिलिंद घुसड़े, बबलू घागरमाले आदि हाजिर थे। एक महिला सेवा संस्थेच्या वतीने शिव भोजन थाळीचं उद्घाटन आज या ठिकाणी आमच्या हस्ते करण्यात आलं। मी इथंच आजच्या या आपल्या महाविकास आघाडी सरकारचं मनापासून अभिनंदन करेन। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि आपले भूतकर साहेब यांचं मनापासून मी अभिनंदन करेल, आभार मानत। एक कोविड जाच आपण पाहत आहोत, आज कोविडची परिस्थिती काय आहे, लोकांच्या हाताला काम नाही, बेरोजगारी वाढली आणि त्यात आजार पण, आणि अशा परिस्थितीत कुठंतरी आज आपण अन्नधान्यासाठी जे काही आपण सर्वावर जी वेळ आलेली आहे, जी अडचण आली आहे, आर्थिकदृष्ट्या सर्वजण कमकुवत झालेले आहेत, तर अशा परिस्थितीत महिला बचत गटांना एक आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करण्यासाठी आणि जे गोरगरीब जनतेला ज्या 2 वेळेच्या अन्नाचा जो प्रश्न पडला आहे तो प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आज जो काही महाविकास आघाडी सरकारने जो निर्णय घेतला आहे तो प्रस्तुत आहे आणि त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली आमच्या जिल्ह्यातील बचत गटातील महिलांच्या वतीनं आज सिद्धी बचत गटाच्या आमच्या अध्यक्ष वनिता चव्हाण यांच्या या शिव भोजन थाळीचं उद्घाटन या ठिकाणी करण्यात आले। मी या ठिकाणी असंच त्यांच्याकडून अपेक्षा करेल की आज जनतेला जास्तीत जास्त चांगल्या प्रकारचं जेवण, सकस आहार या शिवभोजन थाळीच्या माध्यमातून एक चांगलं कर्म करण्याचं काम त्यांना मिळाले आणि ते निश्चितपणे त्या व्यवस्थित पार पाडतील, कारण आत्तापर्यंत त्यांनी केलेलं काम हे खूप व्यवस्थित आहे आणि ही शिवभोजन थाळी पण आज मला वाटते परभणीत 1 नंबरला त्यांचं सर्व पद्धतीने चालेल आणि त्यांना असं कार्य करणारे आपल्या घागरमाळे ताई किंवा ह्या भागातील सर्व महिला भगिनी आज परभणी शहर स्थित सुभेदार नगर दरगाह रोड पर मुजाहिद मेमन मित्र मंडल की ओर से कोरोना के कार्यकाल में पत्रकारिता, स्वास्थ्य विभाग और उसी तरह से सामाजिक कार्य में उल्लेखनीय काम करने पर कोरोना योद्धा के तौर पर उनका सम्मान और सत्कार किया गया। इस समय मंच पर उप महापौर भगवान वाघमारे, कोतवाली पुलिस थाने के API विशाल बहात्तरे, डॉक्टर मेमन, पॉपुलर फ्रंट के जिला अध्यक्ष जुनेद मेमन, मुजाहिद मेमन, अब्दुल सत्तार इनामदार, नजीर सिद्दीकी आदि मान्यगण हाजिर थे। खुशी हो रही है कि परभणी शहर जो है कोरोना की महामारी की चपेट से बाहर निकल रहा है और इसी के बाहर निकलने के अंदर में जो लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा, जैसे कि महापालिका कर्मचारी, महावितरण कर्मचारी, पत्रकार बंधु, वैद्य के क्षेत्र से डॉक्टर, नर्सेस, इन लोगों ने जो काम किया उनका जितना भी नाम ले उतना कम है और जितनी भी उनकी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि जैसे पुलिस प्रशासन भी हो गया, इन लोगों ने जो अपना योगदान दिया कोरोना की महामारी चलते हुए, तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए एक छोटा सा सम्मान कार्यक्रम उनके लिए रखा गया। और आज कोरोना से हम बाहर निकल रहे हैं, ईद को भी होके काफ़ी 1 महीने के करीब हो गया, लेकिन कोरोना के चलते ईद मिलाप का भी हम प्रोग्राम ले नहीं सके और वार्ड के मेरे जितने भी प्रभाग 11 के जितने भी लोग थे उनसे मुलाकात, एक ईद मिलाप भी करना था, उसी के मद्देनज़र एक छोटा सा ईद मिलाप का भी प्रोग्राम रखा गया। और मेरे जितने भी शहर के वैद्यकीय क्षेत्र से, पत्रकारिता क्षेत्र से और पुलिस प्रशासन की तरफ से, महापालिका की तरफ से और महावितरण, इनके जितने भी कर्मचारी साथी, जितने भी लोग हैं, इन सबका सत्कार यहाँ छोटा सा एक रखा गया। आमचे मुजाहिद भाई यांनी जे काही या कार्यक्रमाचं आयोजन करून
जान मोहम्मद जानो यांच्या निधनानंतर जी काही पोकळी निर्माण झाली ती भरून निघाल्यासारखी वाटते। मी त्यांचा मित्र संजय लोखंडे, या परभणी शहरामध्ये जे काही एक उल्लेखनीय काम करत होते लोक, त्यांचं सत्कार जे जानूभाई करत होते त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवून हे त्यांचे सुपुत्र त्यांच्या कार्याला अखंडत्व देत हे कार्य पूर्ण करण्याचं त्यांचा हे काय संकल्प आहे आणि या संकल्पाला ते पूर्ण उतरतील आणि या पूर्ण प्रभागाची जान मोहम्मद जानू यांची भरून निघालेली पोकळी ते भरून जरूर काढतील आणि हीच मी त्यांच्याकडून अपेक्षा करून की अशाच कार्यक्रम त्यांनी नितांत करत राहो आणि आपल्या लोकांच्या हिताच्या कार्यक्रमावर विशेष लक्ष देऊन या वार्डाचा विकास करावा हीच विनंती करू। हमारे परभणी महानगर न्यूज़ नेटवर्क को आप किस तरह पसंद कर रहे हैं, इसलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, उससे पहले सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।